छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन होप सो इतना छोटा क्वेश्चन आपका अगर शॉर्ट होते तो जरूर बनता। अब लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि तो वो बन नहीं सकता। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द हाउ विटामिन डी इज इन्वॉल्व इन द, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाउ विटामिन डी इज इन्वॉल्व इन, किस तरह विटामिन डी इन्वॉल्व होता है इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है, तो वो ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एटीपी पंप वाला सिस्टम सारा लिखना है, जहाँ हेडिंग है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की, तो आपने लिखना है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वाला। ये वाली डायग्राम आएगी, ठीक है, जिसमें लीवर में विटामिन डी है 25, किडनी के ऊपर इफेक्ट है, मोनोसाइट्स के ऊपर, मैक्रोफेजेस के ऊपर, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ऊपर। ये कैल्शियम में मसल्स बोन्स, ठीक है, ये वाला आएगा, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इनका, ठीक है। ये वाली डायग्राम आप लोग डायग्राम बना लो या इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर दो, जो पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो, मेल फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह की अपने की, जैसे हम ज्यादातर जो लिपिड वाली ड्रग जो हम ले रहे होते हैं ना, लिपिड फूड, वो मेल फॉर्म्ड होती है, वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो आधी आधी एब्जॉर्ब होती है, बाकी पूरी रिलीज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मेल फॉर्मेशन। या जो हम कंटेमिनेटेड फूड ले रहे होते हैं वो मेल फॉर्म्ड होती है, ठीक है, वो कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रख देती है, कुछ कोई नहीं देती है। तो जो ड्रग है फूड हेल्दी होती है, जो हम इनटेक हेल्दी फूड खाते हैं, वो मेल फॉर्मेशन हो जाती है, तो हेल्दी फूड होती है हमारी मेल फॉर्मेशन। जो होता है ना, वो सिर्फ टांगों के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ही है, लेकिन जो रिकेट्स होता है ना, वो बैकबोन के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। ये देख रहे हैं डायग्राम, पोलियो हमारी बैकबोन के ऊपर नहीं इफेक्ट करता, ठीक है, रिकेट्स बैकबोन के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ देखें किफोसिस है, लोर्डोसिस है, स्क्योलोसिस है, ठीक है, और ये किफोटिक स्पाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जाके इफेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। जो पोलियो होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर नहीं इफेक्ट करता, वो लोअर एब्डोमेन के ऊपर, टांगों के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये फर्क, छोटे जब जो पैदा होते हैं ना बच्चे, उस टाइम उनकी जो एम्बिलिकल कैल्शियम, इसे भी एक टाइप ऑफ टेटनी कहते हैं, एक तरह की टेटनी होती है, जिसमें जो मदर और बेबी के दरमियान जो कनेक्शन होता है ना एम्बिलिकल कॉर्ड, उसके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, वहां पर जाकर वाइटामिन, इसीलिए तो मदर्स को वाइटामिन डी जो होते हैं वो देते हैं इंजेक्शन के तौर पर, या उसे उन्हें कहते हैं टेबलेट खाएं, क्योंकि वो वाइटामिन डी खाएंगी तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए कैल्शियम बेबी तक पहुंचेगा, कैल्शियम पहुंचेगा तो उसे इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली मदर को देते ही इस सेंस में है, ताकि बेबी जो है उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाए विटामिन डी, क्योंकि वो सनलाइट के साथ तो बेबी एक्सपोज हो नहीं रहा, उसकी स्किन तो बना नहीं रही विटामिन डी, तो हमें फिर ओरली देना पड़ता है, ताकि उसकी स्किन नहीं बना रही, क्योंकि वो इंटरनल साइड पर है तो एक्सपोज नहीं है सनलाइट से, तो उस टाइम पर उसको ग्रो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन चाहिए, क्यों, उसकी बोन्स बन रही होती है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उस टाइम हम विटामिन डी, बेसिकली डॉक्टर्स विटामिन डी इसलिए रिकमेंड करते हैं, ताकि उसकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेबी के अंदर मैक्सिमम हो, और उसकी बोन्स जो है वो किसी भी डिफॉर्मेशन का शिकार ना हो, ठीक है। इस अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा मतलब ना विटामिन डी दिए जाए, तो उसे हम कहते हैं जो मतलब डिलीवरी के टाइम पर बेबी के अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे वो भी एक तरह की टेटनी होती है, ठीक है। टेटनी के नाम से आता है माइक्रोबैक्टीरियम टेटनी, वो जमीन के ऊपर पाया जाता है, जो रोड्स होती है ना वहां पर वो फ्रीली मौजूद होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर हमारा इंट्रेक्शन हो गया ना, हम गिर गए हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर स्क्रैचेस बढ़ जाते हैं, जरूरी है रोड के ऊपर जब हम कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो स्किन इंजर्ड हो जाती है, कट लग जाता है, ठीक है, और अंदर वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है, ठीक है, इन्वेड कर जाता है,
जब वो अंदर चला जाता है तो वो मसल्स के अंदर जाकर क्या करता है, जितनी भी जंक्शंस होती है ना जहाँ मसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, कंट्रेक्शन कर रहे होते हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, उन जो वो जिस जिस कंडीशन में होते हैं वो बैक्टीरिया क्या जाकर करता है 1-2-3 घंटे के बाद, तो जिस जिस कंडीशन में मसल्स होते हैं कैल्शियम लेवल डाउन करने लगता है, कैल्शियम लेवल कम होता है तो मसल जिस जिस हालत में होंगे वो वहीं रहेंगे, अगर वो कंट्रेक्शन में है तो वो कंट्रेक्शन की स्टेट में रहेंगे, जब रिलैक्सेशन में है तो रिलैक्सेशन की स्टेट में रहेंगे, तो इससे क्या होगा था बॉडी पूरी बॉडी जो पेशेंट की होती है वो अकड़ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली कोई और काज नहीं होता, कोई फिजियोलॉजिकल काज नहीं होता, ये बैक्टीरिया अटैक करता है हमारी बॉडी के ऊपर। वो बैक्टीरिया कैसे इन्वेड, वो नॉर्मली रोड के ऊपर पाया जाता है, वो इन्वेड करता है हमारी हमारी स्किन स्क्रेचेस जब पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर तो वो उसके थ्रू अंदर इन्वेड कर जाता है। और कोई ऐसी चीज, बिल्कुल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम को टेटनी कहते हैं। टेटनी बहुत सारे तरीकों, बहुत सारे काज होते हैं, अगर बैक्टीरिया काज है तो वो रोड वाला चक्कर, ठीक है कि कहीं भी आप गिरते हो तो वो जो आपको टेटनी होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसके अलावा भी जहाँ जब भी कैल्शियम की कमी होगी तो वो टेटनी ही कहलाएगी।